हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं अनुपमा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा डेली ब्लॉग्स में। तो गाइज, मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी क्योंकि हमें कहीं जाना था, तो मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया था, फिर मैंने प्राइमर लगाया, उसके बाद 1-1.5 मिनट के बाद मैंने फाउंडेशन लगाया, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी फेस पर, और हल्का ही मेकअप करूँगी क्योंकि अपने ही घर की पार्टी है, तो बहुत ज़्यादा भड़कीला मेकअप नहीं करना है मुझे। और यहाँ मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ। अब मैं लगा लूँगी काजल। अब मैं यहाँ पे लगा लूँगी कंसीलर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आई शैडो लगा लूँगी। आई शैडो गोल्डन कलर का है, इसलिए अच्छे से कैमरे में दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरी साड़ी में गोल्डन कलर था, तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर का आई शैडो लगाया। अब मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर पतला ही लगाऊंगी क्योंकि मेरी आंखें तो ऑलरेडी बड़ी बड़ी हैं, तो मोटा वाला आईलाइनर लगा लो तो अच्छा नहीं लगता है, मोटा आईलाइनर मेरे आंख पर नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए मैं पतला आईलाइनर लगाती हूँ। अब मैं लगा लूँगी मस्कारा। ये मेकअप का वीडियो मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ, इसका स्पेशली मैं अलग से मेकअप का वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डालूँगी। अब मैं हल्का सा लेकर फाउंडेशन अपने लिप पे लगा ली हूँ। अब मैं लगाऊँगी लिपस्टिक। फाउंडेशन लगाने के बाद लिपस्टिक लगाओ ना तो बहुत ही अच्छा कलर आता है। और ये था मेबलिन का लिपस्टिक, लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है ये, 24 घंटे तक बिल्कुल हटता नहीं है, आप कितना भी खाओ पियो ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अब मैं कर लूँगी एक हेयर स्टाइल, ये मेरा सिंपल सा हेयर स्टाइल। मैं हाइलाइटर लगाना भूल गई थी तो वो मैं बाद में लगा रही हूँ, कोई नहीं, हाइलाइटर तो वैसे ही बाद में भी लगाया जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा आईब्रोज के नीचे लगा लूँगी, थोड़ा चिन पे लगा लूँगी और चिक पे थोड़ा लगा लूँगी। मेरा मेकअप हो गया है फिनिश। अभी मैं अपना फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये रहा मेरा फाइनल लुक, तो बताइए कैसी लग रही हूँ। और मैंने अपनी बेटी को भी रेडी कर दिया था, देखिए मेरी प्रिंसेस कैसी लग रही है, हेलो कर रही है। अब हम लोग निकल चुके हैं घर से, तो मैंने ये कुछ रास्ते का क्लिप शूट कर लिया था। ये देखिए मेरा बाबू कैसे देख रहा, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, मेरी बेटी पीछे बैठी हुई है और इस साइड में मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं। और ये एरिया मैं बता दूँ, मैं लखनऊ से हूँ और ये मैं क्रॉस कर रही हूँ जो एरिया वो आसियाना है। अगर किसी को पहचान में आए, कोई लखनऊ का हो जो वीडियो मेरी देख रही हो, तो कोई भी देख रहा हो या देख रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। पहुँचने वाले हैं सरोज उनको अखिलेश को ठीक बचपन भैया बचपन।
चलिए ठीक ठीक है भाई। अम्मा नहीं आई? अम्मा चाची वो लोग नहीं पाएंगे। नहीं क्यों अब केक कटने की तैयारी हो रही है। अभी सब बच्चों को मेरी देवरानी तिलक करेंगी। ये जो मेरे पीछे है ना, पिस्ता ग्रीन कलर का पहनी हुई है, ये है मेरी देवरानी। और वो जो रेड कलर का पहनी हुई है सूट, वो मेरी जेठानी है। ये लोग ना मेरे बड़े ससुर जी जो हैं उनकी दोनों बहुएँ हैं। तो हमारे काफ़ी रिलेटिव ना लखनऊ में ही हैं, तो और पास पास में घर भी है। इनका घर ना मेरे घर से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, सेक्टर जी में। अगर कोई सेक्टर जी का होगा, वीडियो देख रहा होगा, तो फिर प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कोई लखनऊ का भी होगा तो वो भी कमेंट करिएगा। ये रहे मेरे बाबू, ये भी इंजॉय कर रहे हैं। इनको ना छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर थे ना, बहुत खिला रहे थे। ये छोटू मोटू से थे ना सबसे वहाँ पे, इसलिए। अब केक कटिंग होने जा रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी बेटी कैसे क्लैपिंग कर रही। सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उनको केक खिला रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर, यहाँ से हम लोग आ गए थे नीचे। खाना पीना जो था वो नीचे ही हुआ था। और फिर नीचे आने के बाद मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि ये सब वीडियो ही बहुत बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया था और वीडियो। उसके बाद हम लोग खाना पीना खा के घर आ गए थे। ये देखिए हम लोग घर आ गए। ये है मेरा घर। काफ़ी रात हो गए थे, 12 बज गया था। देखिए मेरी बेटी जा रही है गाड़ी से उतर के। वो पहले ही चली गई थी बाबा को बुलाने, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा लॉक था ना, तो इसलिए वो बुलाने चली गई थी। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। ये सो रहे थे, ये वहाँ पर बहुत रो रहे थे, क्योंकि वहाँ पे किसी को पहचान नहीं रहे थे ना, इसलिए। वो मेरे पापा जी हैं और ये मेरी सासू अम्मा हैं। पापा आ गए थे ना निकल के, वो गेट बंद करने के लिए, तो इसलिए आ गए थे, फिर हम लोग आ गए थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।